नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका अपने चैनल होने जर्नी प्लान में स्वागत है एवं हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कारवार सीरीज में। ये वीडियो हमारे कारवार सीरीज नंबर 12 का हिस्सा है और आज हम आपको लेकर चलने वाले एक बहुत ही सुंदर जगह, और उस सुंदर जगह जाने के बाद आप वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सीन देखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वहाँ पे कौन कौन से सीन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कारवार बीच का एक सीन देखने को मिलेगा, सदाशिवगढ़ किला का एक सीन देखने को मिलेगा, और किले के साथ साथ में आपको पहाड़ों, सूर्योदय, सूर्यास्त, नदी, समुद्र और द्वीपों का भी एक बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारियाँ दे देता हूँ। जैसे कि आपके अपने चैनल ने शुरू किया हुआ है कारवार सीरीज, जिसमें हमने कारवार की बहुत जगह की टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियोस कवर करके वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। तो आप हमारी इस कोशिश को कामयाब बनाइएगा उन वीडियोस को देखकर। तो आप ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके कारवार सीरीज की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आज हम जा रहे हैं काली रिवर ब्रिज का भ्रमण करने, जिसका निर्माण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कारवार शहर में काली नदी पर किया गया है। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आ गए हैं काली नदी के पास में, और अभी हम पुल का भ्रमण करते हैं और आपको दिखाते हैं पुल कैसा है और यहाँ से कितने अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं और पुल के बारे में बताते हैं। जैसे कि इस पुल का निर्माण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कारवार शहर में काली नदी पर किया गया है, तथा इस पुल को 1983 में बनाया गया था, और यह पुल नेशनल हाईवे 17 पर निर्मित किया गया है, जो कर्नाटक को गोवा से जोड़ता है, जिसका मुख्य कारण मुंबई को कन्याकुमारी से जोड़ने का है। और अभी आप यहां का सीन देख सकते हैं कि ये पुल नदी के ऊपर बनाया गया हुआ है, और आसपास का जो दृश्य है पहाड़ों का है, कितना सुंदर लग रहा है यह दृश्य देखने में। इसके साथ में यहाँ पर लोग आते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। जब यह पुल नहीं बना था तो लोग कारवार से सदाशिवगढ़ नाव से आते और जाते थे, जिसमें कि उनको पैसे और रुपए देकर आना जाना पड़ता था, और गाड़ियों तथा भारी ट्रकों के आवागमन को लगभग 100 किलोमीटर डाइवर्ट होकर आना पड़ता था, जिसमें परिवहन संचालकों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता था और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी होती थी। मगर काली नदी रिवर पर पुल बनने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत ही राहत मिली और रोजमर्रा का जीवन भी बहुत आसान हो गया है। और अभी हम आपको यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाते हैं, तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं वो सदाशिवगढ़ फोर्ट के नाम से जानी जाती है, तथा इस पुल को बनाने के लिए सदाशिवगढ़ फोर्ट वाली पहाड़ी को बीच से काटकर बनाया गया, और ये पुल 665.5 मीटर लंबा है, जो कि 80 फीट गहरी काली नदी के ऊपर निर्मित किया गया है। दोस्तों, जब काली नदी पुल का निर्माण खत्म हो गया तो काली नदी पुल से कारवार या फिर सदाशिवगढ़ की ओर आने या जाने वाले यात्रियों को कारवार बीच, सदाशिवगढ़ किला, पहाड़ों के बीच का दृश्य, सूर्योदय, सूर्यास्त, नदी, समुद्र और द्वीपों का बहुत सुंदर ही दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पर। आपको मैं बता देता हूँ, हम यहाँ पर इवनिंग टाइम पर आए हैं, तो आप यहाँ पे सनसेट का दृश्य देख सकते हैं, जो बहुत ही प्यारा है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह सनसेट का दृश्य कैसा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर है।
और सनसेट का दृश्य दिखाने के बाद मैं आपको पुल की दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा सदा शिवगढ़ पहाड़ी के नीचे की तरफ, वहां से मैं आपको पुल का अच्छा व्यू दिखाऊंगा। अभी हम आपको लेकर चलते हैं पुल के दूसरी तरफ, वहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि पहाड़ों का व्यू देखने को मिलने वाला है और साथ साथ में आप वहां पर देख सकते हैं कि आपको काली रिवर गार्डन का एक बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। और आपको दोस्तों हम बता देते हैं कि आपके अपने चैनल ऑन ए जर्नी प्लान्स ने काली रिवर गार्डन के दो वीडियोज बनाए हुए हैं, जिसमें कि एक वीडियो में हमने बताया हुआ है काली रिवर गार्डन के बारे में, टाइमिंग्स और बहुत कुछ। उसके साथ साथ में एक नाइट का वीडियो बनाया हुआ है कि रात में काली रिवर गार्डन कैसा लगता है देखने में, तो आप ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके उनको देख सकते हैं और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों आप सामने की तरफ देख सकते हैं एक नाव जा रही है, उस नाव में अपने देश का तिरंगा लगा हुआ है और बहुत सारे लोग सवार हैं। अगर दोस्तों आपको भी बोटिंग करनी है तो आप जल्दी से जल्दी काली रिवर गार्डन वाला वीडियो देखिए, वहां पर हमने बोटिंग करने के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फटाफट उस वीडियो को देखिए और बोटिंग का आनंद लीजिए। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ के बारे में सारी जानकारियाँ दे दी हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से बहुत अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आप फोटो खिंचा सकते हैं और सेल्फीज खिंचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने चैनल होने जर्नी प्लान्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि अगली वीडियो जब हम सदा शिवगढ़ की बनाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी आपकी नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।